कमोडिटी मार्केट से जुड़ी हर खबर सिर्फ न्यूज मार्केट्स 24 पर, खबर काम। नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू आवर चैनल न्यूज मार्केट 24। बात करेंगे आज खबरों में कृषि बाजार में, खास तौर से गेहूं के बारे में। तो गेहूं की फसल को लेकर सरकार द्वारा एक फैसला किया गया है। क्या है ये फैसला और इसका आने वाले समय पर गेहूं के बाजार पर, कृषि बाजार पर आप किस तरह का असर देख पाएंगे, इस बारे में हम लोग आगे विस्तार से बात करेंगे। इसीलिए हमारे साथ अब खबरों में अंत तक जरूर बने रहिए। तो गेहूं को लेकर खबरें आ रही हैं कि विदेश व्यापार महानिदेशालय यानी GDFT के महानिदेशक संतोष कुमार सारंगी ने कल के दिन गेहूं निर्यात के प्रतिबंध हटाने की मांग पर सरकार मार्च से अप्रैल के आसपास फसल कटाई के वक्त उचित फैसला करेगी। और उन्होंने ये भी कहा कि इस फैसले से पहले ये भी देखा जाएगा कि देश में गेहूं की मांग और पूर्ति में कितना संतुलन है। गेहूं निर्यात की मांग के बारे में पूछे जाने पर उन्होंने कहा कि देश में गेहूं की फसल की कटाई आमतौर पर मार्च और अप्रैल में होती है और इस अवधि के आसपास सरकार इस विषय में गेहूं निर्यात खोलने की मांग में उचित फैसला करेगी। और उन्होंने आगे ये भी मार्केट के उतार चढ़ाव की जानकारी और मार्केट का ट्रेंड जानने के लिए जुड़े सुबह 9:30 बजे लाइव न्यूज मार्केट 24 पर अजय सिंह के साथ। डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर क्लिक करके अभी ज्वाइन करें। उन्होंने आगे ये भी बताया कि जिस समय ये महसूस किया जाएगा कि गेहूं की मांग और आपूर्ति में संतुलन है, इस खाद्यान्न का निर्यात खोलने की व्यवस्था करी जाएगी। कहने का मतलब यह है कि मई 2022 में गर्मी और लू की वजह से गेहूं उत्पादन प्रभावित होने की चिंताओं के बीच भारत ने अपने प्रमुख खाद्यान्न की कीमतों में आई भारी तेजी पर अंकुश लगाने के मकसद से गेहूं निर्यात पर प्रतिबंध लगा दिया है, जिसकी वजह से गेहूं की जो अंधाधुंध कीमतें बढ़ रही हैं उस पर आपको विराम लगता हुआ देखने को मिल सकता है। और जैसा कि हम आपको लगातार बताते आ रहे हैं कि सरकार खुले बाजार में गेहूं बेचने के बारे में भी सोच रही है, तो ये भी एक वजह है जिससे आम जनता जो है उनके लिए एक राहत का फैसला साबित हो सकता है कि गेहूं की कीमतों में लगातार बढ़ती कीमतों पर विराम लगेगा और बाजारों में कीमतों में हल्की फुल्की आपको नरमी बाजारों में देखने को मिल सकती है। तो आज की खबरों में सिर्फ इतना ही। अगर आज की खबरें आपके लिए उसपर लाइक जरूर कीजिए और कृषि बाजार से जुड़ी हर खबर के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिए। मिलते हैं आपसे अगली खबरों के साथ, तब तक के लिए स्टे हेल्दी, स्टे सेफ। थैंक्स फॉर वॉचिंग ब्यूरो रिपोर्ट न्यूज मार्केट 24।